तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि यार जो हमारी एक्वेरियम हॉबी है उसमें तुम लोग को ये नहीं पता बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ भी हैं, जो कि यार हम लोग को पता होना चाहिए एज एक्वेरियम हॉबिस्ट। और मैं चाहता हूँ तुम लोग से शेयर करना, इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाना, और जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उन लोग को पता ही है कि यार हमारी वीडियो शुरुआत ऐसी ही होती है। तो प्लीज लाइक कर देना हमारी वीडियो को। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वैसे सच बताऊं तो मेरे पास बताने के लिए तुम लोग को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधा पॉइंट टू पॉइंट ऑफ फैक्ट्स के साथ बातें करेंगे। तो तुम लोग को क्या लगता है कि जो हमारी फिशेज हैं वो जो एक्वेरियम में पड़ी हैं वो प्रॉपरली रियल हैं कि फेक हैं? और तुम लोग के दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड फिश के बारे में। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया कि जो हमारी गोल्ड फिश है वो मेनलैंड चाइना में ओरिजन हुई थी। और दूसरी बात, यहाँ पे गोल्ड फिश के बारे में ये भी लिखा था कि यार जो गोल्ड फिश है वो रियलिटी में ऐसी नहीं थी, क्योंकि ये कार्प वैरायटी से बिलोंग करती थी और इसे कार्प से ब्रीड कर करके आज के दिन ऐसा बना दिया है कि ये एरवानास के सामने डाली जाती है। तो एक ये डार्क रियलिटी ये भी है कि यार हम मतलब कि किसी एनिमल को इतना धीमे धीमे ब्रीड करके कमज़ोर कर दिया है कि वो अपना डिफेंस तक किसी जानवर से नहीं कर पाता है। तो यार ये सोचने में वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब है बात है जो मैं आप लोग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे सच बताएं इस हॉबी में ये सबसे वर्स्ट चीज़ लगती है कि लाइव फीडिंग देना। क्योंकि अगर आप हम पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हम किसी एक ऐसे जानवर के सामने डाल दिया जाए जिसमें हम उसका कुछ ना बिगाड़ पाएं और वो हमें खाने को दौड़े, तो सोचिए ये कितनी भयानक और दर्दनाक मौत होती है। बात करते हैं इन लोग के तड़कते भड़कते कलर की। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यार जो इन लोग का आप तड़कता भड़कता कलर देखते हैं, कुछ येलो होती हैं, कुछ पिंक होती हैं, कुछ किसी रंग की, कुछ किसी रंग की, तो वो रंग सच बताएं तो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है। हालांकि कहीं कंडीशंस में सिक्लेड के जो वेराइटीज़ हैं उसमें ये अप्लाई होता है कि ये नेचुरली भी ऐसी होती हैं, लेकिन अगर आप पैट फिशेज में जाएंगे जो कि सिक्लेड फिश के संग नहीं रहती हैं तो उनमें ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो उनको कलर दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस से दिए जाते हैं, जो कि आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्हें कैसा फील होता होगा। मैं आप लोग के मतलब कि ऐसा मतलब आप लोग की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा मैं कभी कभी इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यार थोड़ा सा ये लगता है कि यार मैं आप लोग से ये डिस्कस करूँ, और मैंने तभी ये आज की वीडियो बनाई है। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारी सबसे प्यारी विडो फिश, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, तो यार इस फिश को भी हम लोग डाई से कलर कर देते हैं और इसका मतलब कि इतना दर्दनाक प्रोसेस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही बहुत सारी फिशेज होती हैं जिनका सिर्फ कलर निखारने के लिए, जिनको सिर्फ बेचने के लिए ऐसा बना दिया जाता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार वो गलत है या सही है, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो या नहीं करते हो तो कमेंट में अपना विचार शेयर करिएगा, मैं भी इस पर आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कन्वर्सेशन करूंगा। क्योंकि यार हो सकता है किसी किसी के व्यूज़ मेरे से मतलब मेल ना खाते हों, तो मैं उनकी भी सुनना चाहता हूं कि उनके इस पॉइंट पे क्या मतलब व्यूज़ रहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूं कि यार जो लोग लाइव फीडिंग करते हैं वो मतलब क्या सोच के फीडिंग करते हैं, क्या मतलब बेनिफिट होते हैं। बिकॉज मैंने जितना भी रिसर्च करा मुझे यार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कुछ नहीं दिखा सिवाय हंटिंग हैबिचुअल एक्शंस के, बाकी तो आप लोग भी जानते हैं। और अगर तुम लोग मेरी सोच से मतलब कि सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना।